क्या बना रहा है हम लोग का भी इफ्तार, ज्यादा कुछ नहीं बना, सिंपल से। हम बोले चलो आए तो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। अरे भाई तो एक्सीडेंट हो गया। सो ये चेक करो भाई, इसको ज्यादा बैगी हो गया है पैंट। कोई मेरा बदमाशी किया बाइक के साथ में, मेरा इंडिकेटर तोड़ दिया। ये चेक करो भाई। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे आप लोग? सो यस, फिलहाल अभी नहा वहा के फ्रेश हो चुके हैं एंड टाइम हो चुका है जोहर का, जैसा कि आज 27 ऑफ रमज़ान है भाई साहब, और रमज़ान को सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं, शायद से 3 दिन या 4 दिन, अगर 31 का हुआ तो फिर 4 दिन, अगर 30 दिन का रोज़ा हुआ तो फिर 3 दिन। और इस अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है एंड लेट्स सी देखो क्या क्या होता क्या नहीं। बट सबसे पहला काम अभी है कि जोहर का नमाज़ पढ़ना है, उसके बाद देखो और क्या काम करना है नहीं करना है। फिलहाल मार्केटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग बस कमेंट करके बताओ कि व्लॉगिंग वगैरह कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से इररेगुलर थे, अब अपडेट आ चुके हैं, अब रेगुलर हो चुके हैं। तो बाकी फटाफट से आप लोग कमेंट करना एंड फिलहाल टोपी वगैरह पहनते हैं एंड निकलते से नमाज़ पढ़। सो फिलहाल फाइनली आ चुके हैं अभी घर नमाज़ पढ़ के एंड अभी क्या सीन है कि अभी ऑलमोस्ट कितने बज गए भाई साहब? 2 बज गए। सो अभी का क्या सीन है कि अभी कुछ तो करना नहीं है, अभी कुछ काम वगैरह भी नहीं है। सर रूम खोलते हैं एंड रूम में एसी चालू करके रखा था। आसिफ गया हुआ अभी हेयर कट कराने के लिए, देखते हैं कि कैसा हेयर कट वगैरह वो कराता है एंड हमको भी हेयर कट कराना। भाई साहब हेयर कट तो अभी नहीं कराएंगे क्योंकि हेयर का ये जो लेंथ देखो भाई साहब, शोल्डर के हाइट तक का लेंथ आ चुका है और अभी देखते हैं और बड़ा होगा। बाकी फिलहाल अभी हमको बस बियर्ड वगैरह सेट कराना है क्योंकि बियर्ड कुछ ज़्यादा बढ़ गया, ये वाला जो पोर्शन है बढ़ गया है। देखो कैसा क्या कराते हैं एंड इधर देखो भाई साहब मेरा रॉकी भाई और आइबा सो के हम इसमें देखिए कितना क्यूट लगती है भाई साहब, और इसको देखो कि डरावना लगता है। ओ भाई साहब मतलब साइज़ में डिफरेंट, देखो आइबा थोड़ी छोटी हो गई हमारी और रॉकी भाई का साइज़ देखो भाई साहब बहुत बड़ा हो गया। रॉकी भाई का खुराक जो है ना भाई साहब वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइट है, मतलब सब खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। और आयबा जो है भाई साहब वो थोड़ा दुलार में पली बड़ी हुई है, वो सूंघ सूंघ के खाएगी, थोड़ा थोड़ा खाएगी, लेट्स सी। एंड अभी सबसे बड़ा मसला क्या हो रखा है कि हम लोग को अपना हॉल रूम में मैट लगाना है, ये वाला जो मैट हम लोग लेके आए थे हॉल रूम के लिए भी लेके आए, वो अभी तक लगा नहीं है, तो वो भी 3 से 4 दिन के अंदर ही लगा के क्लियर करना है ईद से पहले। अभी आसिफ नहा वहाँ के आ चुका है एंड ये चेक करो भाई, इसका हेयर कट चेक करो भाई साहब। चलिए अब नमाज पढ़ने। बाल तो अच्छा काटा आसिफ? यस। तब बोले थे मुलेट करा लेते, मुलेट नहीं कराया? मुलेट के लिए बड़ा बाल चाहिए, मुलेट ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। और मेरे भाई साहब ये देखो पीछे देख रहे हो, बहुत मसला हो गया है। बाकी फिलहाल अभी टाइम हो चुका है लेटे लेटे असर का, असर का नमाज पढ़ने चलेंगे हम लोग, उसके बाद इफ्तार की तैयारी करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर शाम का। कुछ तो प्लान नहीं होता या कुछ प्री प्लान नहीं होता है, जो होता है वो होता रहता है। और इधर देखो इधर कहाँ बोल रहा आसिफ भाई साहब, छोटे 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 आसिफ सिर्फ परेशान करता रहो कि जब सोता है तब इसको परेशान करेगा। चलो नमाज पढ़ना चलो। फिलहाल अभी हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद चलते हैं फटाफट से नमाज के लिए, असर का टाइम हो चुका है जैसा कि, उसके बाद और आज क्या करना है इफ्तारी में आ? कुछ नया बनाया जाए कि हम लोग मिलके, चलिए सोच कुछ सोचते हैं और कुछ बनाते हैं देखते हैं। बट उससे पहले हमको अभी असर का नमाज पढ़ के एक काम से जाना है, वो काम मेरे को 10 मिनट का, उसके बाद फिर घर जाएंगे। अभी आ चुके हैं घर असर का नमाज पढ़ के एंड भाई साहब अभी चल रहा है घर में तैयारी इफ्तार का। बज ले भाई मन कर दिए गए। सो ये चेक करो भाई, अभी यहाँ पे कुछ चिकन विकन, चिकन काटी कबाब फ्राई हो रहा है और इधर क्या बोलते हैं इसको, बड़ा बन रहा है भाई, बड़ा। और ये क्या बन रहा है इसमें? नारियल का चटनी बन रहा है विद बादाम के साथ में। भाई सब रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक चीज बनता है। आसिफ यहाँ पे क्या बना रहा है? चीनी बना रहा है। ये क्या बनता है? देखो जरा खोलो तो, ये देखो भाई आसिफ चीनी को पीस के ग्राइंड कर रहा है, उसके बाद क्या मालूम कौन सा शरबत बनाएगा आज? मोहब्बत का शरबत बनने वाला है आज इफ्तार में। और अरे 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 बाकी फिलहाल अभी सब प्रिपरेशन करते हैं, शरबत बनेगा, क्या क्या बनेगा लेकर। अब चटनी में जा रहा है तड़का, यहाँ पे जो चट्चुट आवाज हुआ ना मिस कर गए हम, हो गया तड़का लग गया, जाएगा चटनी में जाएगा भाई। वो देखो चटनी बन के रेडी है, यहाँ पे तड़का लग गया है। छुरी सब कहाँ हुआ रे बाबा? वो तो मैं खा गया था छुरी, तो दरअसल देखते हैं हमको कैसा कुछ टेस्ट कलर चेंज हो जाएगा क्या उसका। जल्दी करो, ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब क्या खुशबू आया, कसम खा के बोल रहे हैं मस्त मस्त। सांभर चटनी से को बोलते हैं ना,
जो बनता है गाइस सांबर वाला, ये देखो बस यही है सांबर चटनी। कर बस ये हम लोग का बीफ सार, ज़्यादा कुछ नहीं बना, सिंपल से सार बना, मस्त में फ्रूट है, फ्रूट सैलेड है, चना बना है जो कि नहीं खाते, चिकन थोड़ा सा बना दिया टेस्ट के लिए, और बड़ा बना है भाई सब, और शरबत बनाने का टाइम हो गया बस, काफ़ी है, इतना काफ़ी है, उतना खा भी नहीं पाते सार में, और शरबत यहाँ पे एक बना दिया अपने लिए हम पाइनएप्पल, और आसिफ अपना अलग ही लगा हुआ है, उसको पीना है मोहब्बत, यहाँ पर बना रहा अपना मस्त में मोहब्बत बना रहा, देखो बन गया तेरा मोहब्बत फ्लॉप हो जाएगा हमको लग रहा है, बना बना मोहम्मद बना। फिलहाल अचानक से प्लान बना कि सेंट्रम से आके जूडियो से कुछ सामान लेना, वो बच गया था, तो इसके लिए अभी फटाफट से आ चुके हैं आसनसोल, अभी चलना है सेंट्रम जूडियो से, पापा के लिए एक स्लीपर लेना है, अपने लिए भी कुछ लेना है, शर्ट वगैरह भी लेना है, देखो क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, एंड रैंडमली बस निकल गए और डायरेक्ट प्लान बन गया सेंट्रम के लिए, हम बोले चलो आए तो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, फिलहाल अभी चलते हैं सेंट्रम। फिलहाल अभी जूडियो में एंटर कर चुके हैं, ये चेक करो वॉइस कलेक्शन, देखते अपडेट हुआ कि नहीं हुआ लास्ट टाइम से, कुछ कुछ तो नया नया आया है, ये सब नया है, देखे 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 टी शर्ट वगैरह, और भाई साहब वहाँ का लाग बाइक में साइल भाई आउटफिट निकाले बॉइस, अभी इसको फिलहाल, अरे भाई साहब ट्राई करके देखते हैं कैसा क्या लग रहा है क्या नहीं, चेक करो भाई जिम वाला भी ट्राई किया है भाई साहब, पूरा बॉडी गल गया है, कोई नहीं जिम स्टार्ट करेंगे रमजान के बाद, और ये टी शर्ट है और ये रहा इसका पैंट, सो फटाफट से भी पैंट भी ट्राई करके देखते हैं कैसा आता है लुक। सो ये चेक करो भाई, इसको ज़्यादा बैगी हो गया है गैस पैंट, पैंट का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा वगैरह, इससे छोटा लेना पड़ेगा, बाकी भाई साहब आउटफिट तो मस्त लग रहा है। तो इस परचेजिंग वर्चेजिंग हो चुका है जूडियो से, अब फिलहाल हम लोग इधर से निकल रहे हैं, लेट्स गो, अब इसके बाद हम लोग को चलना रहेगा आसनसोल मार्केट, मार्केट चल के हमको वहाँ से पापा के लिए था, यहाँ पे पापा के लिए कुछ मेरे को मिला नहीं, नीचे कहाँ से जाना, चलो सो फिलहाल अब सेंट्रम से सीधा निकलते हैं आसनसोल मार्केट के लिए। फिलहाल आ चुके हैं मार्केट, बट मार्केट में तो रौनक ही नहीं लग रहा है, लग रहा सब गैद का शॉपिंग हो गया, सब गैद का शॉपिंग हो गया लग रहा भाई, अरे भाई सब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। करो बॉयज़ अभी बानी शूज़ से आके उठा चुके पापा के लिए अपने लिए, बानी भाई बिजी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, शुक्र, और सब कैसा चल रहा है, दुआ है ना वो भाई सब, तो अभी आके कितना बार हो गया होगा बानी भाई मेरा इधर, फोर टाइम्स हो गया होगा भाई साहब, मतलब उठाए जा रहे भाई का भी शॉपिंग हो गया मेरा भी हो गया, बानी भाई थोड़ा बिजी है बट कोई नहीं, आपको अपना स्लीपर दिखाते हैं, क्या स्लीपर लिया, और एक पापा के लिए लिया है, ये दिखाते हैं आपको भाई साहब क्या ओजी लाया है बानी भाई, स्लीपर गुच्छी का जो ओजी लाया है ना भाई साहब, फर्स्ट कॉपी लग रहा है मेरे को, इसके बारे में डिस्क्राइब बानी भाई करेंगे, क्या है ये, लग रहा नहीं है, क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी एक नंबर है, एक नंबर है, प्रीमियम क्वालिटी है, स्टूडियो में डाल दी है, ठीक है, वो भी जिस डिजाइन हो उससे भी ऊपर होगा भाई साहब, एक नंबर लग रहा है, इसीलिए जैसे आया वैसे उठा लिए, यूनिक पीस ये सही लग रहा है, और एक पापा के लिए वो घर जाके दिखाएंगे। चलो फिलहाल इधर का सब कंप्लीट हो चुका है, बस फिलहाल शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है, सेंट्रम से भी क्लियर हो गया, बानी शू से भी क्लियर हो चुका है, अब देखते हैं और कुछ अगर बचा होगा तो वो भी क्लियर करते हैं, अभी फिलहाल देखें फ्रेंड्स लोग यहाँ फैशन टच, बस अभी चल रहे भाई साहब बगरखाने लेने के लिए, बगरखाने ये चेक करो, बगरखाने भी ले लिया भाई यहाँ से, फाइनली भाई साहब बैक टू होम आ चुके हैं, पूरा धूला गर्दा लेके मुंह में, और ये देखो सामान सब कैसे कैरी करके लेके आ रहे भाई साहब, यहाँ पे टांगे हैं मिरर में, गाड़ी देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, गाड़ी वगैरह भी वॉश कराना होगा, और क्या ही बताए भाई साहब पूरा मुंह में धूला लग गया है, एंड क्या मालूम कोई मेरा बदमाशी किया बाइक के साथ में, मेरा इंडिकेटर तोड़ दिया, ये चेक करो भाई, क्या बोले क्या बोल सकते हैं, ये पार्क किए थे हम, ये कल का बात है शायद, यहीं पर पार्क किए थे एंड कोई तोड़ दिया, क्या बोल सकते हैं भाई सब, एंड वो टूटा भाई है, इसको कोई पकड़ के तोड़ दिया क्योंकि वो रबड़ का है, और गाड़ी वाड़ी हम कहीं लड़ाए हैं नहीं कि टूट जाएगा, कोई इसको तोड़ दिया पकड़ के, फिलहाल आ चुके हैं घर, चलते हैं सारा सामान लेके घर, अभी फिलहाल अभी हम लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है सब कंप्लीट, एंड सारा सामान ला के भाई सब देखो ये चेक करो कितना सामान रखे हुए हैं, भर के थैला इधर देखो, इधर पे दो यहाँ पे हो गया, इधर पे भाई सब देख लो, सिर्फ अभी ये आके रखा हुआ, अभी तक ये गया भी नहीं है कहीं पे, इसको सरियाया भी नहीं है, फिलहाल अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पेंड, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं, यही सब के चक्कर में अभी ब्लॉग एडिट भी करना है, सो वही सो आज के लिए इतना ही, होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।